देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। इटावा तहसील व ब्लॉक भरथरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रितौर के ग्राम वासियों ने वर्तमान प्रधान सुनील और सुनीता पांडे पति कमलेश कुमार पांडे की सराहना की। ग्रामवासियों ने बताया कि प्रधानपति कमलेश कुमार पांडे ने ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगभग 1000 मीटर इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण कर सुगम रास्ते बनाए हैं व 200 स्ट्रीट लाइटें लगवाकर ग्राम पंचायत क्षेत्र को प्रकाशमान किया है। वहीं 8 पानी के नलों को रिबोर करवाकर पानी साफ पीने की व्यवस्था व गंदे पानी के निकास के लिए तालाब की गहरी खुदाई एवं सौंदर्यीकरण भी कराया है। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 300 के लगभग शौचालय को बनवाकर ग्राम पंचायत क्षेत्र को स्वच्छ रखने का भी कार्य किया है एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 25 लाभार्थियों को आवास देकर अति सराहनीय कार्य किया है। प्रधानपति कमलेश कुमार पांडे ने बताया कि मेरे कार्यकाल का सिर्फ 1.5 वर्ष बाकी है, बचे हुए समय में ग्राम पंचायत क्षेत्र के कुछ रास्तों का निर्माण करवाना है एवं कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी दिलवाना है व कुछ बाकी बचे पानी के नालों का रिबोर भी करवाना है। वही ग्राम पंचायत रितौर क्षेत्र की जनता प्रधानपति कमलेश कुमार पांडे की यूपी क्राइम न्यूज कैमरे के सामने तारीफ करती हुई नजर आई। मैं कमलेश कुमार पांडे ग्राम प्रधानपति रितौर से बोल रहा हूँ। प्रधान जी, आपके 3.5 साल पूरे हो चुके हैं, 1.5 साल बाकी है। अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आप पूरा कराना चाहते हैं? हमारे ग्राम पंचायत में कुछ रास्ते खराब हैं, उनको मैंने कार्य योजना में डाल दिया है। कुछ गरीब पात्र भी हैं, उनकी कॉलोनी भी हमने फिट करा दी है और इसके अलावा 2-4 जगह हेडपम्प भी लगवाना है। ये कार्यक्रम डाल दिए, जैसी हमें धनराशि प्राप्त होगी ये सारा कार्य मैं कर दूंगा। इटावा से संवाददाता अनिल गोस्वामी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।